अस्सलाम वालेकुम। शनासा टीवी न्यूज के साथ मैं हूं कैसर दिलावर जदून। शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। हसन अब्दाल दो मुख्तलिफ हादसात में एक खातून समेत दो अफराद जहां बाग। हम आपको तफसीलात से आगाह करते चलें कि हसन अब्दाल एक ही दिन में दो मुख्तलिफ हादसात में एक खातून समेत दो अफराद जहां बाग। पहला अफसोसनाक वाकया केस बी फाटक के करीब पेश आया जहाँ तेज़ रफ्तार रक्षा बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराया जिससे मुसम्मात रेज जोजा मोहम्मद अलियास सकना लब गांव शदीद जख्मी हो गई। खातून को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ जख्मों की ताप न लाते हुए खातून दम तोड़ गई। रक्षा हादसा में दीगर जख्मी होने वालों में मुसम्मात रेज जोजा बशीर अहमद, 10 साल जैनब, 6 साल खतीजा, 12 साल अब्दुल्ला शामिल हैं। हादसा में जाबाक होने वाली खातून की बेटियों की आहोजारी और सिसकियों ने हर आँख को नम कर दिया। खातून 4 बेटियों की मां थी। दूसरा अलगनाक का हादसा लारी अड्डा के करीब पेश आया जहां तेज रफ्तार डैम्पर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद रजाक वल्द मोहम्मद खान सकना मिर्जा गांव के नाम से हुई जो सरकारी इदारे में काम करता था। ड्यूटी से वापसी पर हादसे का शिकार हो गया। नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल किया गया जहाँ कानूनी कार्रवाई के बाद नाश पुरसा के हवाले कर दी गई। मेन टीम के साथ कैसर दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। शनासा टीवी रखे आपको हर खबर से बाखबर।